कैसे मेरे दोस्तों, मैं सुमित तनेजा फिर आपके साथ। आज मेरा दोस्त सुनील हमारे घर पे आ रहे हैं। उनकी मिसेस को कुछ प्रॉब्लम है, उनको डॉक्टर को दिखाना है, तो यहाँ पर उनकी आने की तैयारियाँ हो रही हैं। और हाँ जी, क्या तैयारियाँ हो रही हैं? वैसे जो आप व्लॉग बनाते हो, भैया व्लॉग में तो आते नहीं है। आ जाएंगे, इतनी बार वो आते हैं लेकिन कभी व्लॉग में आते नहीं। ये क्या है? कुछ नहीं बनाया, ज्यादा तैयारियां नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। कविता को जल्दी घर जाना है। इसमें तो आटा है, हमने बनाया बिरयानी और मटन। और जो भैया भाभी खाएंगे वो बाहर से आ जाएगा, जो भी खाएंगे। तो मेरा दोस्त सुनील आ रहा है डिनर पे, तो उनके लिए ये और फ्रिज में रायता बन गया है, सैलड बन गया है। दिखाओ जरा कविता, ये दिखाओ। अभी बना नहीं है, पक रहा है। थोड़ा सा दिखाओ ऐसे ही। हुई हुई है, ये क्या है? बिरयानी है। कुछ देखने दो, पकी है कि नहीं पकी। अभी नहीं पकी है, ये ढक दो इसको। कविता कमाल हो गया। कविता भाभी, भाभी भैया भाभी ने बनाए हैं। भाभी ने भाभी ने बनाया। हाँ जी, मेरे कार्यों को भी करते हैं। आपने कुछ नहीं बनाया? नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया। आटा अच्छा, और क्या क्या बनाया? कविता ने उल्लू बनाया है। और दिखाओ क्या क्या बनाया। ये सलाद, सलाद है और रायता। भाभी रायता मेरा फोन है। और क्या क्या है दिखाओ? और कविता है और मैं हूँ। अरे वाह, बूंदी रायता, मजा आ गया। और मैंने तेरे लिए बहुत बढ़िया गिम्बल ऑर्डर करा है। अच्छा, तू याद करेगी कि तेरे पति ने तेरे को कोई गिफ्ट दिया था। क्या कह रही हूँ? लग कह रही हूँ, अभी रुको, अभी मैं तो तैयार होऊंगा। हाँ, तो आप तो जैसे मर्जी अच्छी लगती हो। दिखाओ जरा क्लोजअप, देखो मैं आपका। अब लिप्स ऐसे ऐसे करेगी, ये देखो देखो। आई अच्छी। हाँ जी, हाँ जी, सुन, हो ही तैयारियाँ? हाँ जी, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। ये झूमर इतना मेरे को लग रहा गंदा हो रहा है या क्या है? कुछ पक्का? एक्चुअली आजकल मेरे को गिम्बल का बड़ा शौक पड़ गया है, मैं गिम्बल से ही शूट कर रहा हूँ। कविता इधर आओ जरा। हाँ यहाँ आओ, इधर आओ। आप अपना नाम बताओ। कविता। थोड़ा तेज बोलो। कविता। ठीक है, पूरा नाम? कविता कुमार। कविता कुमारी। हम आपको जम्मू लेके जा रहे हैं, वैष्णो देवी। भाभी को ये अभी कुमारी है। अच्छा, कुमारी हो आप? कविता, हम वैष्णो देवी आपको लेके जा रहे हैं, आपके लिए मुबारकबाद, एक खुशखबरी है। जम्मू में जाएंगे तो आप इंजॉय करोगी। हाँ जी। माता को दर्शन करोगी। हाँ जी। आपने तो कृष्ण भगवान को भी फुल एकदम अंदर घुस गई थी वृंदावन में, ठीक है? और साथ 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 में कौन कौन जा रहा है? भाभी, आप और रुद्राक्ष भैया, जगजीत पांडे। हाँ जी। और नीरज और उनका बच्चा, ठीक है? आप अपने पति को भी ले जा सकती हैं अगर आप चाहें तो। आप बोलोगे तो जरूर। ठीक है, हम इस बारे में बात करेंगे। अच्छा। अगर वो फ्री है तो उनको भी ले चलेंगे, है? ठीक। लेकिन हो सकता है उनकी ड्यूटी हो, ये बात जैसा भी होगा भैया, जैसा भी। पर आप तो चलोगी ना? हाँ जी, मैं चलूँगी। पक्का? हाँ जी। वेरी गुड, बोलो जय माता दी। जय माता दी। और अपने बारे में कुछ बताओ, आप कौन हो, कितने बच्चे हैं, क्या है? मेरा तो पता ही नहीं आपको। बताओ ना, सब लोगों को बताओ। मेरे तीन बच्चे हैं। तीन बच्चे हैं। हाँ, तीनों बच्चों के बारे में बताओ। हाँ, एक तो लड़का मेरा 18 साल का है। अरे वाह। और हाँ जी, एक 16 साल की बेटी है। ठीक है। हाँ जी, एक 12 साल। वेरी गुड। तो इतनी बड़ी उम्र की तुम लगती नहीं हो। वेरी गुड। सबको बाय बोलो। बाय। कनिका, आप थोड़े से अपने आप को फ्रेश कर लो। हाँ जी, बुझाएं। ओ मेरा व्लॉग। मैं इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 12, दोपहर के 12। मैं इस टाइम कुछ अपनी ये जो मेरी फ्लूट पड़ी है, ये की फ्लूट, मेटल फ्लूट, इससे मैं कुछ सीख रहा हूँ धुन बजाना। इस टाइम मैं सीख रहा हूँ तुम दिल की धड़कन में रहते हो। मेरे पास काफ़ी स्केल की फ्लूट्स हैं,
ये देखो यार, ये फ्रूट्स का मेरा बैग है, इसमें बहुत सारी फ्रूट्स हैं। तो मैं यहाँ पर देखो, मैं ये ऐसे मैं यहाँ बैठता हूँ, ऐसे ये ऐसे बैठ गया। ये देखो ये एच 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 जूटे माइया जूटे माइया। तो मैं इस तरीके से यहाँ फ्रूट बजाता हूँ। और इस टाइम जो है ये कनिका ने गो प्रो 11 ब्लैक लिया है, उसकी हम सेटिंग कर रहे हैं। और मैंने कनिका के लिए एल्यूमिनियम केज मंगाया, कनिका ने कैंसिल करवा दिया। मैंने MOD वो मंगाया, इसकी लाइट, कनिका ने वो कैंसिल करा दिया। अब मैंने कनिका के लिए मंगाया है गिम्बल, छोटा गिम्बल GoPro का। मुझे नहीं चाहिए, मेरे को इतने अच्छे स्टिक मिली है। इस देखो मेरी बात सुनो, ये जो आपको स्टिक मिली है ना, ये इससे भी छोटा गिम्बल है। तो यूज कर, अगर को नहीं पसंद आया तो छोड़ दियो, ठीक है? कर लेगी मेरे कहने से है काकू? हाँ जी है, हाँ जी ठीक है। तो और ये आप गुस्सा आता है जब मैं आपकी व्लॉगिंग में कुछ बोलती नहीं हूँ? तो मैं बहुत गुस्सा आता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब तू क्या कर रही है कनिका? मैं वो जो आपने फोटो वीडियोस बनाई है इसमें, वो देखो ना कैसी क्लैरिटी आई है। जो मैंने अपनी टेस्ट वीडियो बनाई है, तो क्या क्लैरिटी मतलब? देखो आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी कनिका? अगर जो मैंने ये वो कर रखी है ना सेटिंग, अगर तूने ये हटा दी ना, मैं जिंदगी में कभी तेरे साथ बैठ के तेरी सेटिंग नहीं करवाऊंगा। मुझे करवानी ही नहीं है। मैंने तेरे लिए कितना टाइम निकाल के मैं तेरी वीडियो सेटिंग कर रहा हूँ। टाइम निकाल के क्या क्या कर रहे थे आप ऐसा? यार ऐसे मत कर काका। ओहो कनिका, कुछ चेंज मत करियो, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। अरे नहीं, मैं उसमें आ रही हूँ। किसमें आ रही है? वीडियो में। हाँ जी, तो इस टाइम हम अभी सो के उठे हैं, 12 बज गए हैं। और अब जरा बाहर का माहौल देख लूं। आपने सुबह उठ के भजन वजन लगाते हैं, आपने क्या ही GoPro लगा दिया? कनिका मैं तेरी सेटिंग कर रहा था पागल, तो जो तुझे परेशान हो रही थी कि मेरी क्वालिटी नहीं आ रही, मेरी क्वालिटी नहीं आ रही। एक तो करता हूँ तेरे लिए, उसका भी मेरे को क्रेडिट नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है, कह रही है भजन लाओ भजन। चलो क्या प्लान है आज का ये बताओ। आज का प्लान है कि जो आपने इतना महंगा सूट खरीदा लाजपत नगर से, वो वापसी के पैसे तो देगा नहीं, लेकिन उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे। दिखा तेरा कौन सा सूट लाई जरा, लड़के आएंगे तो लड़के दिखा मेरे को, सूट ला के दिखा, सूट ला के दिखा, मैं जरा देखूँ क्या उसका हिसाब है। बता रही हूँ। अच्छा आप बता रहा हो, अच्छा भी लग रहा है कि नहीं? दिखाओ, लाओ सूट लाओ। ये पे लाजपत नगर लक्की स्टोर, इसका यही काम है। एक दुकान नहीं घूमेगी, 50 दुकानें घूमेगी, उसके बाद चीज ले आएगी, उसके बाद कहेगी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या मेरी बुराई कर रही हूँ? बुराई नहीं कर रहा मैं। आओ सूट दिखाओ। पहले तो पता है मैं सूट, पहले तो मैं सूट जब लाती थी ना, हाँ, और खराब निकल जाता तो मैं रोने लग जाती थी। हाँ ये तो मुझे पता है। देखो जी इसका, मैं हाँ बता रही हूँ, दिखाओ यार। ये देखो, ये बुड्ढो वाला कलर नहीं है, खोलो क्या चाहिए? ये एकदम बुड्ढो वाला कलर है, और ना मैं तेरे को पहनने दूंगा और ना मैं तो प्योर में। ये तू क्या सोच के लाई है और किसके साथ जाके लाई है? मैं नीचे मम्मी के साथ जाके लाई। बस मम्मी के साथ जाने का मतलब है कि अब मैं क्या बोलूं। उनकी चॉइस पता कितनी अच्छी है। ये चॉइस है मम्मी की? ये अच्छा है। नो 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 नहीं। और इसके साथ का दुपट्टा ही है, दुपट्टा ही तो देख के मैं फ्लैट हो गई कि अब तो यही लेना है। अच्छा तो लग रहा है। अभी नो 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 कर दे, उल्टा दुपट्टा ले। वैसे यार मम्मी की चॉइस तो है। मान ले, अब मैं एक्चुअली मैं पास से देख रहा हूँ ना, तो मेरे को लग रहा है, दिखाइए रॉयल कलर है, रॉयल कलर दिखाइए। सोच तू ऐसी नीचे चली जाए। हाँ सोचो मैं ऐसे चली जाऊँ। देखा मेरी पार्टी में ऐसे नाइट सूट के साथ ऐसे चली जाऊँ, पहना तो है। इसके कलर तो देख रहे थे मेरे को, देखा ब्राइट है, कोई पीला थोड़ी पहनना है सुमित, पीला लाल ही पहनते रहो बस। तो फिर ये रॉयल कलर, आपको क्या पता कि रॉयल कलर क्या होते हैं? तो अब ये चेंज नहीं होगा, और ये बहुत महंगा सूट है वो, क्योंकि तू अपनी सास की चमची है ना, इसलिए। देख सकते हो अभी कितने का है, कितने का है, एक सेकंड, अभी क्या कहा 8600 है। आप क्या समझते हो लेडीज होना आसान है? करेगा ये तो, ये क्या किया तूने? लेडीज इतने के आते हैं सूट्स, लेडीज होना आसान नहीं है सुमित, लेडीज होने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। इससे अच्छा ना तू मेरे साथ मंगल बाजार चल लेती
8,000 में तेरे ना 800 सूट आ जाते। 800 सच बोल रहा हूँ। 8 बोलते तो समझ भी आती। बताओ नहीं। बहुत बढ़िया, इसको रख लो आप, वापस मत करो। नहीं करो। श्योर? श्योर। चलो जी, तो ये सूट रख लेती हूँ। प्योर पे है ना सोमित ये? हाँ, अच्छा सूट है काका। अभी तो लेकिन ये रॉयल चीज है कि नहीं का? ये नहीं कि तू कहीं बाहर चली जाए ब्यूटी पार्लर पहन के चली जाए। ब्यूटी पार्लर सूट पहन के जाती हूँ मैं, सूट पहनती अच्छी जगह करूंगा। चलो ठीक है, इसको डन कर दो। अब ये मेरा कहीं से अटक गया, अगर ये फट जाता तो ये कैसे वापसी होता? तो छुपा छुपो के वापसी करना पड़ता। चलो फिर ठीक है, देखते हैं कि वापसी करा दूं। नहीं नहीं नहीं, वीडियो के लिए मत बोलो। नहीं, वीडियो के लिए नहीं बोल रहा, तेरी कसम, वापसी वापसी मत करा। पक्का? पक्का। ये दुपट्टा मत देखो, सूट भी देखो। मैं ऑल इन वन देख रहा हूँ, ये सूट भी देख रहा हूँ। वापसी करा देते हैं सुमित। काका नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, तेरी कसम मत करा। अब तेरे को मन है तेरा वापसी। देखिए हाथ, देखिए ऐसे, देखिए हाथ, देखा एक बार लंबा कर। हाँ एक रुक जा, ये तो दुपट्टा है। हाँ हाँ वैसी कर एक बार। ये लो ये लो। अरे यार जो हाथ में था तेरे। एक सेकंड तो सही, सूट भी तो दिखाओ। आपको ऐसे पता चलेगा ना, प्योर क्रेप में देखो। नहीं यार, भी कमेंट जो आएंगे उस हिसाब से कर लेना। कमेंट नहीं आए तो बोलो। रख ले काका, तो वो जूम करके देख लो जरा। नहीं अरे सामने दिख रहा है, तो जूम करके क्या देखना, देखो। रख लूँ फिर? रख ले रख ले। लाजपत नगर जाना कहीं से? नहीं नहीं, बात लाजपत नगर की नहीं है, कहीं का चीज बढ़िया है। तो महंगी है सुमित, प्योर के सुमित इतने की तो लाती हूँ मैं, 5-7 5-7। हाँ जी, मुझे एक घंटा हो गया है धुन निकाले हुए। मैं धुन निकाल रहा हूँ, एक प्यार का नगमा है, तो वो धुन निकल नहीं रही है। मैं एक घंटे से लगा हूँ, एक घंटे नहीं, इनफैक्ट मैं 11 बजे से लगा हूँ, पर ये दोनों फ्लूट से धुन नहीं निकल रही है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं धुन को निकालूँ और आपको ये धुन सुनाऊँ। एनीवेज, कनिका नाश्ता क्या है? बना रही हूँ। क्या बना रही हो? अजी क्या बना रही हो तुम? बस क्या बना रही है? अभी तो मैं मम्मी का ब्लॉग बना रही हूँ, देखो गोप्रो। हाँ, तो मैं मम्मी का ब्लॉग बना रही हूँ गोप्रो से। यहाँ पे हमारा कंटेंट है, किचन यहाँ पता है। यहाँ पे हमारा कंटेंट है। ओहो, क्या नाश्ता बन रही है? क्या बन रही है? अभी तो गूंदा जा रहा आटा। सुबह पहले याद है जब मैं छोटी थी, मतलब जब मैं नई नई शादी हुई थी, मेरी उम्र छोटी थी, तो जैसे ही सुमित मुझे बोलते थे ना कि कनिका रोटी बना के ले आ, वैसे मुझे याद रहता था कि अरे अभी तो आटा भी गूंदना है। मैं सारी तैयारी कर लेती, फिर एंड में आटा गूंदती थी। अच्छा एक बात बता, तू बड़ी कब होगी? जब भी कोई बात होती जब मैं छोटी थी। हाँ, जब तक आप मुझे ऐसी प्यार करोगे मैं कभी बड़ी नहीं होंगी। वेरी गुड। देख रहा किचु, मेरी हाइट तक होने वाली है। किचु मेरे से बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए ऐसी रहूंगी। किचु तू भी अपनी वाइफ को इतना प्यार करेगा ना, और वो तेरे को इतना प्यार करेगा। अच्छा सुन, अगर तेरी वाइफ हमको चाय नहीं बना के पिलाएगी तो क्या करेगा? क्या करेगा? खुद बना के पिलाएगा? नहीं किचु बता, इसके बाप अप नहीं यार, मेड रख लूंगा। हैं? मेड रख लूंगा। देख रहे हो, मतलब उसे कुछ नहीं कहेगा? गलत मत सिखाओ। नहीं तो उसे कुछ नहीं कहेगा? आप मुझे क्या कहते हो? ये डिबेट, ये लड़ाइयाँ हो जाएगी, लड़ाइयाँ हम दोनों की। हाय हाय, आ लग गया। किचु चल मेरा ब्लॉग बना, पापा को बता। पापा टेस्ट कर लो ना। मैं इसके पूरे हाथ इतने गंदे हो जाते हैं। क्या करें किचु, जब बच्चे हो तो कूदना पड़ता है बच्चों के लिए। ये देखो आटे गूंदने पे, आटे गूंदने पे तेरे ब्लॉग। ये दिखा रहा हूं सेलिब्रिटी, जैसे कोई सेलिब्रिटी गूंद रहा हो।
देखिए क्या तैयारियां हो रही है। चाय आपने बोला ना पराठा चाय खाऊंगा। यस चाय चाय आ जाओ कोई मना थोड़ी है। राशन लाओ उसकी मैम आने वाली है। एक बार देखा जाओ देख सकते हो। आ जाओ आ जाओ। हां आ जाऊं। अरे गैस दिखाओ उधर क्या हुआ पता नहीं इस गैस में कभी कभी खराब हो जाती है सिक्का आ जाती है। उसने वो आया था ठीक करा फिर जल गई थी। बेकार हो गई चेंज करने वाली 10 साल हो गए ना इसको। फटा ना जाए देखना ये देखना कैसे चल रही है। फटा ना जाए मेरे को ये डर लग रहा है। फट तो नहीं जाएगी अभी। चल अरे 10 साल में खराब नहीं हो जाती। अरे वैसे छोड़ो आप। हाँ जी ऐसा है आज संडे है और टाइम हो गया है 5 और हम लोग सारे घर में बोर हो रहे हैं। अब कनिका कह रही है चलो कभी कहती है हाँ कभी कहती है ना। मैं तो कह रही हूँ सुबह से चलो। कहाँ चलो? एक बार का मैं खाना बना चुकी हूँ अब दूसरी बार का खाना बनाने का दिल नहीं है। तो कहाँ चले? तो आपने मुझे आदत ही ऐसे डाली है मैं क्या करूँ। अब ऐसा है सुनील भैया का फोन आया है और मैसेज आया वो कह रहे हैं एक जगह है वहाँ पर 50% डिस्काउंट में सामान मिलता है लाजपत नगर में चलें क्या करूँ फोन। ऐसी कौन सी शॉप हो गई 50% डिस्काउंट। पूछ लेता हूँ ना तो पूछता हूँ आई राम लेकिन मेरे सेशन कट 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 कर कट 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 दोबारा शुरू करो। हाँ वो तो क्रॉप कर दूंगा ना। हाँ जी तो मैं अब हम दोनों मियाँ बीवी बोर हो रहे हैं कि हम कहाँ जाएं क्या करें क्या ना करें। हम लोग फ्री होके बैठ गए हैं है? बहुत गर्मी है यार। फिर कल तो पूरा दिन एसी चला है आज नहीं चलाया ना हमने ना। आज हम नहाए हुए इसलिए नहीं चलाया। बोलो फिर क्या करें। आज हम सोचते हैं कि लाजपत नगर चलते हैं और लाजपत नगर जाने में मतलब लाजपत नगर नगर में थोड़ी सी शॉपिंग हो जाए और थोड़ा सा इंजॉय हो जाए। मैं आपके टच में रहूँगा और आपको दिखाऊँगा आज हमने क्या किया संडे को। बाय बाय। नहीं इसमें देखने दे दिखा एक मिनट दिखा पैसे खोल ओपन कर बताओ इस ड्रेस में क्या कमी है जो कह रही है मैं चेंज कर लेती हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ चेंज करूँगा ठीक है। नहीं देखो कितनी सुंदर ड्रेस है बाद में दिखा तो यार कीची चल बेटा उठ जा जल्दी लेट हो रहे हैं उठ जा चल जल्दी उठ जा मेरा बेटा। चल बाबू कनिका जो तू मेरे को कपड़े देगी वो भी तो प्रेस करने होंगे। लाओ फटाफट कर दे तो निकाल के दो आप। सोच रहे पहले तू भैया के पास रुकेगा तो सुमित एक काम करो ना। तो ये है मेरे दोस्त सुनील भाई आज हम सारा दिन घूमते रहे सारा दिन तो आप घूमे हो है ना। तो ये सुनील भाई ये आज लाजपत नगर मार्केट दो बार घूम के आए फिर मुझे फोन किया सुमित भाई चलो फिर मैं कनिका को रेडी करा फिर इन्होंने भाभी को रेडी करा फिर हम गए और वहाँ हमने कुछ शॉपिंग करी और हम फिर गए वहाँ पर सुनील भाई कहाँ गए कस्टम शॉप। फिर हम कस्टम शॉप पे गए वहाँ से सुनील जी ने अपने लिए बेल्ट खरीदी मैंने अपने लिए एक चश्मा लिया लेकिन मैं चश्मा छोड़ आया वहीं पर क्योंकि मेरे को थोड़ा वो यूज्ड लग रहा था पर इन्होंने एक 10,000 की बेल्ट खरीदी बहुत ही। कौन सी कंपनी की ली आपने? हाँ सुन लिया इसके? एक मिनट रुक जा ये मेरा कीची है कीची। हेलो हेलो पापा किससे शूट कर रहे हो बताओ तो किससे? गिम्बल से। ये मैं गिम्बल से शूट कर रहा हूँ। ये सुनील भाई जब भी आते हैं ना ये फोन इनके खत्म नहीं होते फोन पे फोन। तो कीची मम्मी कहाँ गई है? मम्मी वो डोसा खाने हाँ, आंटी के साथ। आंटी जो है ना उनको क्या है शुगर है ना हाँ इसलिए उनको डोसा खाना था इसलिए मम्मी उनको डोसा खिलाने लेने गई है। अपनी बनाओ ना ऐसी जय वास्ता। तो ये माता घूम रहे हो
मैं तो भाई के पास आया हुआ था। ये स्मित भाई है मेरे। सर कैसे हैं जनाब? जी जी जनाब भाई। बहुत बढ़िया बढ़िया, आपका आपका आशीर्वाद। बहुत बढ़िया बहुत। मैं ये कुंसु भाई जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा। और दिल से बड़ा भाई हूँ तो। नहीं तो ये कॉफी है भाई जी। ये कॉफी है। कॉफी है। चलो भाई बढ़िया। मैं वो मैं वो देख रहा था आप कौन हो अभी। मैं डिनर डिनर पे हूँ बिटिया आप बिटे भाई को वो कह रहे चलो बड़े निकलेंगे डिनर डिनर पे तो डिनर पे। चलो ठीक है भाई जी। कहाँ पे हो? ये मैं इधर ताज ताज में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आज हम अपने ऊपर टेरेस में बैठे हैं सुनील भाई के साथ। सुनील भाई का मेरे बिना दिल नहीं लगता, तो आजकल हम रोज़ ही मिल रहे हैं। अभी अभी शॉपिंग करके आए हैं हम और ऊपर थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। किचू नारियल पानी पी रहा है, सुनील भाई बियर ले रहे हैं, मैं सुनील भाई का साथ दे रहा हूँ। तो ये है, भाभी गई है डोसा खाने, मम्मी गई है, वाइफ गई है डोसा खाने भाभी के साथ। तो ये है, और हमारी भाभी कैमरे के आगे नहीं आती, क्या करें मैं मजबूर हूँ। तो फिर और ये कैमरे के आगे ये भाई मेरे आ जाते हैं, वो नहीं आती। तो कल हम मैं और सुनील भाई कल हम कहीं जाएंगे। अब हमारा क्या प्रोग्राम है हमें खुद ही नहीं पता, लेकिन सुनील जी मेरे को बताएंगे रात को फाइनल कि हमारा कल का क्या प्रोग्राम है। कल कुछ धमाका करेंगे। चल धीरे धीरे ये नीचे आइए। क्या बात है देखा? वाह वही वाह किचू। गिम्बल से क्या ये मतलब? मेरा कीचू है, सिनेमैटिक शॉट्स लेगा गिम्बल से, आप देखो। चलो कीचू आयो। ये वाह भाई वाह। ये हमारा कीचू, प्यारा कीचू मेरे गिम्बल से शॉट्स ले रहा है। मेरे 51,000 सब्सक्राइबर हैं, पर मेरे व्यूज़ क्यों नहीं देखते आप लोग? देखते क्यों नहीं हो? मुझे मुन में कोई कमी है तो बताओ। चांटे पड़ेंगे चांटे। कौन सा गाना था बताओ? अच्छा ये बताओ। कमेंट में बताना गाइस। भाई हद हो गई। कमेंट में बताना गाइस। पापा बताओ मत। कमेंट में बताना गाइस। ये बताओ गाइस 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 ये कौन सा गाना है? ले ये मुझे पागल बना रही है कि मैं होटल में खाना खा रही हूँ। मैं इसको पकड़ता हूँ। अब मेरी वीडियो बना रहे थे। मुझे पता है ना। आओ जी आओ। अच्छा भाभी को नहीं लेना। भाभी की वीडियो बनाई? हाँ थोड़ी सी। देख रहे हो जैसे झूठ बोलते हैं ये। कहाँ गए थे? हम लगाए थे पिंजौर। पिंजौर में क्या किया? ये बंद रहता ना अभी से? नहीं सिगरेट पिए इन्होंने। अच्छा नहीं आई स्मेल? अब नहीं आएगी। आ जाओ बाहर बैठ के। हाँ बाहर पता नहीं भैया क्या लेकर आ रहे। हाँ कविता। हाँ जी भैया। क्या क्या खिला रही हो बताओ? ये सब्जी पराठे बना रही भैया। पराठे। हाँ ये मटर भाभी ने बनाया था भैया। हाँ, ये वाला खिला दो। हाँ जी मैं पराठे सेक के देती हूँ। बिरयानी मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा जी।
देखो कविता क्या क्या चीजें बनाती है, बच्चों के लिए पिज्जा बनाती है। फटाफट इधर देखो। अरे ये नहीं ये हम लेकर आए हैं कल लाजपत नगर से सामान। हाँ जी क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? मैं वो बोलो। अरे एक सेकंड ना, बड़ी कॉफी नहीं मिल रही। अच्छा होकर बना रहे हो? बड़ी कॉफी मतलब कॉफी। अच्छा मिल गई, मंगाओ कॉफी मंगाओ। और ना मेरे को ऑफिस जाती तो कॉफी दे दिया कर, कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी हाँ। काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी, आई मीन बहुत शाम सुबह से लेकर शाम तक हो गई या कल तक भी हो गई, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अब मैं और जगजीत जा रहे हैं लाजपत राय मार्केट चांदनी चौक। वो इसलिए जा रहे हैं कि जो आप मैं जब गोवा गया था तो गोवा में हम लोग क्या कहते हैं, आपको मैंने बताया था कि मेरा DSLR कैमरा पानी में चला गया। मतलब हम बोट में थे, मोटर बोट में, और बहुत तेज़ टाइड आई और मेरा पूरा ये कैमरा ये जो है 200D ये 200D Mark II ये जो मेरा DSLR कैमरा है ये पूरा डेड हो गया। तो हमने इसको वहाँ दिखाया अपना उधर कहाँ दिखाया जगजीत? कैनन में दिखाया हमने, कैनन में दिखाया, कैनन के आउट उसमें फैक्ट्री में। तो कैनन वाले बोल रहे हैं कि इसका खर्चा 60,000 रुपये का है। तो इतना पैसे खर्चने से अच्छा तो मैंने कहा मैं कोई नया ही ले लेता हूँ। तो जिससे मैं ये शूट कर रहा हूँ इस टाइम ये है कैनन EOS 850D। तो मैं अब इससे शूट कर रहा हूँ, ये मैंने नया लिया था, हो गया इसको 15-20 दिन। तो अब इस कैमरे को इस वाले कैमरे को मैं सोच रहा हूँ, ये बहुत अच्छा कैमरा था EOS 200D Mark II है ये। तो दिखाऊँ आपको अच्छे से, थाने चलना है भैया को लेने। तो ये बहुत ही अच्छा कैमरा था लेकिन क्या करें वो डेड हो गया। तो ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको मैं थोड़ा बाहर का आपको दृश्य भी दिखा देता हूँ, मेरा चेहरा देख के क्या करोगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको लाजपत राय मार्केट में, ये हमारा पटेल नगर है जहाँ मैं रहता हूँ, ये 8 ब्लॉक है, मैं 7 ब्लॉक में रहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस, एक मिनट यार मैसेज कितने आ रहे हैं। अच्छा तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे, हम लोग उस इस कैमरे को लाजपत राय मार्केट में, क्या होता है वो कैमरों की मंडी है पूरी DSLR की मेन, तो वो क्या करेंगे या तो ये कैमरा ले लेंगे ठीक है और इसके कुछ पैसे दे देंगे, वो काम हमने करना नहीं। हमें तो या तो कैमरा ठीक कराना है या हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है काम करो, इसके बदले आप हमको कोई और कैमरा दे दो, मतलब पुराना, आई मीन रीफैब्रिश कैमरे होते हैं, जैसे मैं कैसे बताऊं, अभी Mark II है, Mark II वो इसको रीफैब्रिश कर देंगे और इसको अमेज़ॉन जगह भेज देंगे, तो हमें भी एक अच्छा लेटेस्ट कैमरा रीफैब्रिश कैमरा मिल जाएगा। उससे क्या है कि नॉर्मल व्लॉगिंग मतलब बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं है वो पूरा DSLR का ही काम करता है वो, चलो 1% मैं कहता हूँ वो भी नहीं मिलता। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है आप एक काम करो, इसके बदले हमको कोई लेंस दे दो, 2-3 लेंस ले लेंगे हम, तो क्योंकि लेंस बहुत महंगे, 30-35 हज़ार के लेंस होते हैं, तो अगर हमें 2 लेंस भी मिल गए तो भी ठीक है, नहीं तो रीफैब्रिश करेंगे वो इसको और हमें ठीक करके दे देंगे, या फिर हम इसके बदले कोई और कैमरा, कोई दूसरा मॉडल, पुराना मॉडल ले लेंगे, भाई कुछ तो हो। तो अब हम जा रहे हैं इस टाइम, पहले हम लेंगे गौरा को उसके पुलिस स्टेशन से, और उनको भी हेलमेट लेना है एक,
और उनकी जीप भी रेडी हो रही है, उन्होंने जीप खरीदी है अभी, वो रेडी करवा रहे हैं अपनी आर्मी वाली। तो अब हम पहले थाने जाएंगे, उनको पिक करेंगे और उनको एक हेलमेट दिलाएंगे और उसके बाद हम सीधा अपना चांदनी चौक गौरी शंकर मंदिर के नीचे कैमरा मार्केट है। देखो वो सामने सिद्धार्था होटल है, वो सामने सिद्धार्था होटल है, अगर आपको दिख रहा हो तो, वो मेट्रो लाइन के नीचे, तो ये है। चलो तो फिर मैं बीच बीच में आपके टच में रहूँगा, गौरव की एंट्री भी दिखा दूँगा, पता नहीं वो गौरा यूनिफॉर्म में होंगे या बिना यूनिफॉर्म के होंगे, क्योंकि मेरे को ना उनको यूनिफॉर्म में देखना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे दिल में बहुत ठंडक मिलती है। गौरव आ गए हैं, वो रहे, मुझे दिख गए दूर से। कैसे हो? ठीक है, ले आना जिस दिन लाओ बता देना। इधर आओ ना पीछे मेरे पास। कहाँ को चला गया वो? बात कर रहा दूसरा जो है चाकू मारने वाला वही है। अच्छा ये भी बताओ, ये कोई केस की बात चल रही है? कॉन्फिडेंशियल चीजें मैं क्यों दिखा रहा हूँ यार। हाँ तो जगजीत आपकी तबीयत कैसी है बेटे? ठीक है भैया। ये जगजीत इधर देखो, क्या किया आपने? हैवी वेट मार लिया और इसकी अब टांगे ना खुल रही है ना बंद हो रही है, दो दिन से बुरा हाल है इसका। कोई नहीं, हो जाएगा ठीक है। ठीक है, 40% ठीक है। ये आपने खुद मारी थी हैवी वेट की मरवाई थी किसी ने? बातों में मार ली, कैश में आ गए थे। हाँ जी। ओ तेरी। ओ गौरव सर, वो हेलमेट अपने लिए चूज कर रहे हैं। अभी तो दस बारह हेलमेट मैंने दिखा दी, इनको पसंद नहीं आया, बहुत चूजी बंदा है। अब इनको एक पसंद आया, एयर स्टील वर्ल्ड एयर। ये मेरे भाई की अलग ही चॉइस है और अलग ही है हिसाब किताब। चार दुकानें छान मारी इस बंदे ने, अब अभी पांचवी दुकान है। ये वाला शीशा शीशा बदल गया। ये ना आप झंडे वालन मार्केट आओगे ना तो ये झंडे वालन कह रहा हूँ, ये झंडे वालन मेट्रो स्टेशन है, उसके नीचे सारे हेलमेट वाले हैं। उसके लिए तो फोन ही है। हाँ फोन। हाँ जी दोस्तों, ऐसा है कि गौरा को हेलमेट तो मिला नहीं, मिल तो गया था अभी, मैंने बोला भी आपको भी कैमरे में थोड़ी देर पहले, लेकिन कुछ इशू आ गया उसकी, कुछ साइज का क्या प्रॉब्लम आई बताओ? साइज मेरा सिर बड़ा, दिमाग मोटा है ना, बड़ा हेलमेट चाहिए। अच्छा, और बड़ा इतना बड़ा है नहीं उनके पास। चलो तो अब हम ऐसा काम करेंगे, इनको एक हेलमेट पसंद है वो ऑनलाइन में ऑर्डर कर दूंगा, कोई नहीं। साइज पता नहीं होगा साइज, वो कौन सा आपका साइज कौन सा है? एक्सेल तो चाहिए ही चाहिए। एक्सेल? हाँ। आपका एक्सेल साइज है? शायद एक्सेल ही ना हो, पर एक्सेल तो हमें चाहिए ही चाहिए। चलो वो मैं ऑर्डर कर दूंगा। अच्छा दूसरी बात है कि जो हम अभी DSLR के लिए जा रहे थे ना, क्या कि अभी आप ये देखो हालात ये देखो, तो
तो ये इतना ट्रैफिक है, ये पीक आवर है, और चांदनी चौक तो आपको पता ही फिर क्या हाल होगा वहाँ पर। तो हमने आज का ड्रॉप कर दिया आइडिया, और कल जब जगजीत मेरे को लेने आएगा ऑफिस के लिए, फिर हम वहाँ से ऑफिस की जगह सीधा चांदनी चौक जाएंगे और ये काम करके आएंगे। कल हमारी डायरी से काम कट जाना चाहिए, ठीक है जगजीत? तो फिलहाल मैं ये व्लॉग करता हूँ अभी बंद, और नेक्स्ट व्लॉग मेरा आज ही आएगा। मैं दिन में 3-4 व्लॉग डालता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय। लो जी, बाय बाय जगजीत, बाय बाय जगजीत। कैसी बाय निकली है ये तेरी? अब कौन सा हेलमेट आपने पसंद किया? स्टील बर्ड एयर सीरीज। एक ही लिया है? वो कितने में? चश्मा लग गया उसका? अभी वो एल साइज देख रहा ना उसका। वो उधर एक हेलमेट की दुकान है, वो कह रहे हैं सर हमारी भी वीडियो बना लो। हमारा सिर है बहुत बड़ा, हाँ, और इसके अंदर दिमाग है बहुत छोटा। बहुत छोटा या मोटा? मोटा। कुछ मोटे दिमाग से चलते हैं, कुछ छोटे दिमाग से।